जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती। मेरी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दरिद्रता देवी का निवास कहाँ होता है? दरिद्रता का निवास गणेश जी की पीठ के पीछे होता है, इसलिए गणेश जी की तस्वीर इस तरह लगानी चाहिए कि उनकी पीठ वाली तरफ काम ना हो। शास्त्रों के मुताबिक दरिद्रता देवी अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। अलक्ष्मी नास्तिक और पापियों के घर में रहती है। ऐसी मान्यता है कि देवी अलक्ष्मी पीपल के पेड़ में भी रहती है, इसलिए अगर घर में पीपल का पेड़ उग जाए तो उसे तोड़ने की बजाय विधि विधान से दूसरी जगह लगाना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक देवी अलक्ष्मी को दुर्भाग्य की देवी भी माना जाता है, इसलिए किसी भी घर में उनकी तस्वीर नहीं लगाई जाती। शास्त्रों के मुताबिक दरिद्रता का निवास इन जगहों पर भी होता है। गणेश जी की पीठ के पीछे जहाँ पराई स्त्री में प्रेम हो, पर द्रव्य के हरने वाले हो, जहाँ ब्राह्मण सज्जन और वृद्धों की पूजा ना होती हो, शास्त्रों के मुताबिक देवी अलक्ष्मी इन घरों में रहती है। जहाँ गंदगी रहती है, जहाँ हमेशा लोग लड़ाई झगड़े भी करते हैं, वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में गंदगी, बदबू और सीलन होने से भी दरिद्रता का वास होता है। इसके अलावा टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना, 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना और शमशान भूमि में हंसने से भी दरिद्रता आती है। देवी दरिद्रता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। इनका असली नाम ज्येष्ठा है, लेकिन इन्हें दरिद्रता और अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। दरिद्रता का निवास सील और चारित्र वाले लोगों के घर में होता है। अष्ट दरिद्र कौन से है? कुछ लोगों के मुताबिक अष्ट दरिद्र ये है: आयु, आरोग्य, अभिवृद्धि, पुत्र, पौत्र, धन धान्य, विजय, सफलता, शांति और कीर्ति। कुछ लोगों के मुताबिक अष्ट दरिद्र ये भी है: अन्न दरिद्र, वस्त्र दरिद्र, निवास दरिद्र, भूमि दरिद्र, सतति दरिद्र, संपत्ति दरिद्र, आपत इष्ट दरिद्र, मित्र परिवार दरिद्र। कुछ लोगों के मुताबिक अष्ट दरिद्रता का मतलब ये भी है: अत्यंतिक गरीबी से पीड़ित होना, निर्वासन, जीवन साथी से अलगाव, मेहमानों का आगमन जबकि आपके पास उन्हें देने के लिए भोजन नहीं है, बासी भोजन खाना, दुश्मनों के साथ दोस्ती विकसित करने की मजबूरी होना, दूसरों से भोजन पाने की प्रतीक्षा करना, अपमान और अफवाहें, शिवलिंग सभी 8 प्रकार के दरिद्र का नाश करते हैं। सावन में शिव की आराधना, साधना और अभिषेक से जीवन को सार्थक मिलता है। शास्त्रों में कई और भी कारण बताए गए हैं। कुंडली में तीनों शुभ कारक ग्रह कमजोर हो या पीड़ित हो, और धन भाव में काल सर्प योग बनना, सूर्य और चंद्रमा परम नीच में हो और नीच भंग न हो, पाप ग्रहों का धन भाव में नीच राशि में बैठना, नियत खराब होना, दूसरों को धोखा देना, छल कपट, दूसरों का बुरा चाहना, घर में सफाई न रखना, गंदे विचार, ईश्वर में विश्वास न रखना, स्त्री का सम्मान न करना। वास्तु के मुताबिक घर में गंदगी, बदबू और सीलन होना से भी दरिद्रता आती है। इसके अलावा ये आदतें भी दरिद्रता लाती है: दूसरों को धोखा देना, छल कपट, दूसरों का बुरा चाहना, घर में सफाई न रखना, गंदे विचार, ईश्वर में विश्वास न रखना, स्त्री का सम्मान न करना, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना, रात में खाना खाने के बाद किचन में जूठे बर्तन रख देना, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ेदान रखना। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गुरुवार के दिन केले के पेड़ के सामने घी का दिया जलाने से भगवान विष्णु समेत देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही घर में दरिद्रता का भी अंत होता है। तो दोस्तों, इसका निवारण यही है कि आप अपने मन को और घर को साफ रखें और रोज सुबह अपने घर के मंदिर में एक बार दरिद्रता नाशक मंत्र का जाप करें। दोस्तों, ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसे जरूर पढ़ें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।